अपने बिग बॉस के जर्नी के बारे में करण कुंद्रा ने एक बड़ा खुलासा अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में किया है। आखिर कौन सी गलतियों के बारे में करण कुंद्रा बात कर रहे हैं, क्या कुछ चीजें हुई है, कौन से एक्सपीरियंसेस उन्हें बिग बॉस के घर में मिले हैं और कौन से चीजों को लेकर उन्होंने कहा है कि आई एम अनअपोलोजेटिक। चलिए आपको बताते हैं, आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट सिंधु वेदांगी। करने को अगर बात करें बिग बॉस की जर्नी की, तो करण कुंद्रा के लिए ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। कई सारे वीकेंड के वार के ऊपर उन पे एक्चुअली वार होते थे सलमान खान की ओर से, और कई सारी चीज़ें जो वो करते थे उनको उन्हें सुनाया जाता था। इनफैक्ट करण ऐसा था जिन्हें अपने लिए नहीं बल्कि तेजस्वी के लिए, उमर के लिए, राजीव के लिए, निशांत के लिए, प्रतीक के लिए, शमिता के लिए, इनके लिए खेलने की बातें कई बार सलमान खान ने बताई है, जिस वजह से करण को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हुआ था कई बार कि आखिर मैं खेलूं तो खेलूं कैसे। एक ऐसा पल भी बीच में आया था जब करण कुंद्रा ने तेजस्वी को कहा था कि दिस पीपल क्लियरली डू नॉट वॉन्ट मी हियर, ये लोग क्लियरली मुझे यहाँ पे नहीं चाहते। आखिर ये सारे जो स्टेटमेंट्स करण कुंद्रा ने दी है, जो चीज़ें उनके साथ हुई है, फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, और फैंस को उनकी बिग बॉस की जर्नी में जो उनके साथ वीकेंड के वार पे होता था वो कभी भी पसंद नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं अब उसी जर्नी ने आज करण कुंद्रा को ऐसे मकाम पे पहुंचा दिया है कि उन्हें कोई छू तक नहीं सकता। इतने बड़े हाइट के, इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े ओहदे पे करण और तेजस्वी दोनों ही पहुंच चुके हैं। और अब अपने इसी जर्नी के बारे में बात करते हुए करण अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में नजर आए, जहां पे उन्होंने कहा कि मैं बिग बॉस के बाद काफ़ी ज़्यादा बदल गया हूँ, बिग बॉस ने मुझे काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है, और अब मैं मेरी लाइफ में थोड़ा काम हो चुका हूँ, एक काम पर्सन, शांत पर्सन हो गया हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा, भले वो एथिक्स हो, प्रिंसिपल्स हो, किस तरीके के लोग तुम्हें पसंद आते हैं, कौन से लोग, कौन से टाइप के लोग तुम्हारे दोस्त होने चाहिए और किन लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। अ लॉट ऑफ सच थिंग्स अबाउट योर सेल्फ यू कम टू नो, मुझे ऐसे अपने आप के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है नई नई पता चली है। ऑल्सो मैं किसी भी चीज़ को लेकर रिपेंट बिल्कुल भी नहीं करता कि मैंने ये शायद बिग बॉस के घर में नहीं करना चाहिए था। ऐसा कोई भी मोमेंट, ऐसा कोई भी पल नहीं है जहाँ पे मुझे लगा हो कि शायद मैंने ये चीज़ बिग बॉस के घर में नहीं करनी चाहिए थी, सावधान रहना चाहिए था, तो ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा है। इनफैक्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेकर रिपेंट नहीं किया है। यस, मैंने मिस्टेक्स की है, लेकिन एक तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा अनअपोलोजेटिक रहता हूँ या फिर एक्सट्रीमली अपोलोजेटिक रहता हूँ, लेकिन इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं रहता। तो जहाँ मेरी गलती है वहाँ मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, और जहाँ नहीं है मैं कभी भी नहीं झुकता। इस तरीके से करण जो है बात करते हुए अपने बिग बॉस के जर्नी के ऊपर नज़र आए हैं। वेल, इसके ऊपर आपको क्या कुछ कहना, बिग बॉस की कौन सी मेमोरीज आपकी हो रही है ताज़ी करण कुंद्रा के जर्नी को लेकर, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू गाइस सून।